पठान का क्रेज हर जगह देखने को मिल रहा है। ऐसे में पठान के जितने शोज थे और जितनी स्क्रीन्स बुक हुई थी उसके हिसाब से दोपहर 3 बजे तक फिलहाल उसका कितना कलेक्शन जो है सामने आ रहा है। तो पठान जो है शोज उसके इंक्रीज किए गए, स्क्रीन काउंट जो है ऑल टाइम हाईएस्ट है हिंदी का, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज से पहले किसी को भी इतना स्क्रीन काउंट नहीं मिला। पठान को 300 शोज और इंक्रीज करके जहां पहले लगभग 7,700 थे अब 8,000 स्क्रीन वर्ल्ड वाइड हुई है, जिसमें इंडिया में 5,500, ओवरसीज में 2,500 स्क्रीन। तो ये 8,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली अपने आप में पहली हिंदी फिल्म बनी। वहीं तरुण आदर्श ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि दोपहर 3 बजे तक अगर हम काउंट करें तो किस थिएटर में, मैं सिर्फ थिएटर्स की बात कर रही हूँ, मल्टीप्लेक्स की, इसमें सिंगल स्क्रीन का जो है बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। पीवीआर 9.40 करोड़, आईनॉक्स 7.5 करोड़, सिनेपोलिस 3.90 करोड़, यानी कि 20.35 करोड़ जो है इसका 3 बजे तक का बिजनेस हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। 19.67 करोड़ का बिजनेस जो है वॉर ने किया था पहले दिन 3 बजे तक। तो ये फिल्म जो है कमाई के मामले में प्रेडिक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक की, यशराज की फिल्म थी वॉर, उसको जो है इसने पीछे छोड़ दिया है 3 बजे तक। और सोचिए फिल्म की रिलीज तक जहां स्क्रीन काउंट पहले 7,700 बताया जा रहा था अब 8,000 हो गया है, यानी कि ये इंडिया में सबसे ज्यादा स्क्रीन काउंट वाली रिलीज फिल्म है। हिंदी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ जो इंडिया और ओवरसीज में सबसे ज्यादा स्क्रीन में रिलीज हुई है। तो 3 बजे तक जो ये बिजनेस सामने आ रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। 20.35 सिर्फ ये आंकड़ा है दोपहर के 3 बजे तक का, अभी इसमें सिंगल स्क्रीन और ओवरसीज का आंकड़ा जो है शामिल नहीं। तो शाहरुख का जादू जो है वाकई में चल गया। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।